उसमें टॉपिक कौन सा पढ़ा जल्दी बताओ। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी चैप्टर कौन सा है? 5। सर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर आपने सिर्फ एक बात पर ध्यान रखना है और वो ये बात ये स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। सो मैनेजमेंट हैज डिफरेंट फंक्शंस सच एज एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा। Then, so they give support. हाँ जी मेरे साथ बोलो, they give what? Support to the corporate level and business level strategy. Sir, every functional area will be divided into sub area, and then we are going to formulate a strategy for each sub area. एक बार फिर बच्चों second हमने पढ़ा इसका क्या importance? रोल को छोड़ के बच्चों सीधे इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंस से सब रोल कवर हो जाएगा। सबसे पहला बच्चों सबसे पहला रोल क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट एमपी अगर एक्ट करे तो हार्मनी एंड कंसिस्टेंसी इजी से आ सकती है। मेक टॉप लेवल स्ट्रेटजी फिजिबल। देन बच्चों उसके बाद प्रोवाइड फ्रेमवर्क एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कंट्रोल हार्मनी एंड कंसिस्टेंसी देन इजी फ्लो ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजंस। दैट्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बच्चों ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी की बात चल रही है। एक बच्चों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच कैन हैव जल्दी बोलो स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंस। सर ये क्या हुआ पॉइंट्स व्हिच कैन हैव स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंस? प्लीज जरा सुनिए। चार बातें हैं जो एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस पर डाल सकती है। पहले मुझे हेडिंग्स बताओ। नंबर 1 रिक्रूटमेंट, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। सर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और पेपर में सर ये चार पॉइंट किसी को नहीं आते थे। फट्टे मार के आए, फट्टे समझते हो? फट्टे क्या होते बेटा? तुक्के। क्या बोल रहे जल्दी बताओ? तुक्के। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग और जो तीसरा पॉइंट कौन सा हमारे पास? अप्रेजल एंड कॉम्पनसेशन। इनको ऐसे कैसे याद करके जाएं? जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया। सर ये था हमारा एचआर स्ट्रेटजी का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या था बच्चों? जनरल नोट, वो हमें एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर। सर एचआर स्ट्रेटजी में हमारे पास दूसरा टॉपिक कौन सा आता है? प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। जल्दी बोलो क्या आता है? प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। वो बच्चों आपने कवर करना है इस चार्ट से। सर इस चार्ट के अंदर लिखी है तीन प्रॉब्लम और तीनों प्रॉब्लम के क्या लिखे हुए हैं? सॉल्यूशन। मुझे बताओ पहली प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, डिसरप्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वेरी गुड, याद है सबको? बहुत बढ़िया। दूसरा फेलियर टू मैच इंडिविजुअल एप्टीट्यूड विद इंप्लीमेंटेशन टास्क, राम वाला एग्जांपल याद रखोगे? यस सर। देन इनएडिक्वेट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन। बड़ी बड़ी बातें सब बोलो बेटा, बड़ी बड़ी बातें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रेट बच्चों। देन आगे बच्चों हम लोग जरा देखते हैं क्या जोड़े। बेटा टॉपिक का नाम क्या था? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहले बच्चों ने पढ़ना है क्या है? मीनिंग। मीनिंग में याद रखें पी आई सी एस सी ओ, याद है? पी आई सी एस सी ओ, कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट क्रॉस फंक्शनल अप्रोच। फिर बच्चों आ जाए इसके चार्ट पे, इट्स एन इंटीग्रेटिंग फंक्शन, वो इंटीग्रेट करता है, याद है ना? इधर विद इन और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, याद आनी चाहिए बच्चों सारी बातें। फिर बच्चों इट्स अ टूल ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, एम टी पी सी क्यू क्यू, याद है बच्चों? देन इसके बाद बच्चों ने पढ़ा क्या सर? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहां से शुरू होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कहां तक जाता है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट, याद रखनी सारी बात। प्रोडक्ट डेवलपमेंट से कहां तक? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इजी, कम ऑन, इट्स ऑल नो। सर इसके बाद बच्चों हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में और भी कुछ बात पढ़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी हाउ टू इंप्लीमेंट दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सर बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर, वो स्टेप्स बच्चों हैं 7। शुरुआत कहां से? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड कहां पे? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। डेवलपमेंट के बाद क्या करोगे? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के बाद क्या करोगे? फिर क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आउटसोर्सिंग। फिर कस्टमर। कस्टमर वाला पॉइंट बच्चों जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बनाएं, याद है कि नहीं? सर उनके साथ मिलकर काम करें। सर फिर उनके साथ म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन गोल्स ढूंढें। एंड फाइनली बच्चों पॉजिटिव फीलिंग्स लाएं, याद है? इसको बच्चों शॉर्टकट लगाया था प्रोक्योरमेंट का, कैसा आएगा, कहां से आएगा, भाव लगवाओ, ऑर्डर दो, अंदर लाओ, रख कर जाओ, सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग का प्लान बनाओ, रोक ना लगाओ, लिखाया था, ये जरूर याद कर लेना बच्चों। ये सारी वीडियो बच्चों आपको मिलेंगी neerajarao.com/SN पे। और ये ध्यान रखें YouTube वाले मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं भाइयों, ये वीडियो सिर्फ फास्ट ट्रैक बैच वालों के लिए है, आपको इन्हें देख के कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।